मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ चिकित्सा उच्च शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के साथ वर्चुअल मीटिंग कर प्रदेश में कोरोना के हालातों की समीक्षा की। बाद में मंत्री ने खुद बताया प्रदेश में कोरोना के लगभग 900 से ज्यादा नए केस 24 घंटे में मिले हैं। राजधानी भोपाल में गुरुवार से एंटीजन टेस्ट स्वास्थ्य विभाग शुरू करेगा। इसके अलावा भोपाल में कोरोना टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ाकर 2500 कर दी गई है। इसके साथ ही भोपाल में अब 2 निजी अस्पतालों को कोरोना के सशुल्क उपचार की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा प्रदेश में कोरोना मरीजों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई। की बैठक मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्चुअल की गई, जिसमें चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी और मैं भी उपस्थित था। अभी तक कोरोना के 20,934 लोग ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं, जो एक बड़ी सफलता और बड़ा रिलीफ है। आज 917 नए केस प्रदेश के अंदर मिले हैं और 691 लोग डिस्चार्ज हुए। रिकवरी रेट हमारी बढ़कर 70% तक आ गई है। भोपाल अंदर अब कल से एंटीजन टेस्ट भी प्रारंभ हो रहे हैं, जैसा दिल्ली उत्तर प्रदेश वगैरह में प्रारंभ हुए हैं। इसकी रिपोर्ट बहुत जल्दी आ जाती है और लोगों के मन की आशंका भी तुरंत दूर हो जाती है। टेस्टिंग कैपेसिटी जो थी 1,000 से बढ़कर 2,500 भोपाल के अंदर की गई है। भोपाल के अंदर भी 2 तरह की अब व्यवस्था हो गई है, एक निशुल्क ट्रीटमेंट की है, एक पेड ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। लॉकडाउन के पहले हमारे पास 1,198 बिस्तर थे, जो बढ़कर 1,720 हो गए हैं। 15 अगस्त की बढ़कर 1,260 तक पहुंच जाएंगे। भोपाल कोविड केयर सेंटर लॉकडाउन के पहले जो संख्या थी बिस्ती वो 146 थी, जो अब बढ़कर 1,050 हो गई है। अब भोपाल में सेवा के साथ में बेड हॉस्पिटल भी कर दिए हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सुविधा से जाना चाहे तो पेड हॉस्पिटल में भी जा सकता है। अभी 275 इस तरह के बेड भी उपलब्ध हो गए हैं। पेड क्वारंटाइन की जो पहले नहीं थी, अब वो संख्या भी 928 पेड क्वारंटाइन की व्यवस्था भोपाल के अंदर की गई है। वर्तमान में 63 लोग उसके अंदर रह रहे हैं।